नमस्कार, आज हम आपको स्नैपपॉड्स S510 को इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। S510 को इस्तेमाल करने से पहले इसे पूरी तरह से चार्ज कर लें। चार्ज कर लेने के बाद चार्जिंग केस को खोलते ही स्नैपपॉड्स अपने आप ऑन हो जाएंगे। स्नैपपॉड्स केस से निकालते ही इसका पेयरिंग मोड ऑन हो जाता है। आप अपने डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करके सर्च में जाकर स्नैपपॉड्स S510 पर क्लिक करके आप इसे अपने डिवाइस से पेयर कर सकते हैं। स्नैपअप की स्नैप सिंक टेक्नोलॉजी की मदद से आप जैसे ही स्नैपपॉड्स को केस से बाहर निकालेंगे वो आपके डिवाइस के साथ ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। स्नैपपॉड्स S510 में मोनो मोड है। इसकी मदद से एक बार में आप एक स्टिक भी यूज कर सकते हैं। S510 में वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी एक स्टिक पर लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हैं। आ रही कॉल को उठाने या चल रही कॉल को काटने के लिए आप लेफ्ट या राइट किसी भी स्नैपपॉड पर एक बार टैप कर सकते हैं। आ रही कॉल को रिजेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट या राइट किसी भी स्नैपपॉड पर लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। म्यूजिक सुनते वक्त उसे प्ले या पॉज करने के लिए आप किसी भी एक स्नैपपॉड पर टैप कर सकते हैं। अगला गाना सुनने के लिए राइट स्नैपपॉड पर दो बार टैप करें। पिछला गाना सुनने के लिए लेफ्ट स्नैपपॉड पर दो बार टैप करें। केस में वापस रखते ही आपके स्नैपपॉड्स चार्ज होने लगेंगे। इसे इंडिकेट करने के लिए केस में एक लाइट जलेगी। चार्जिंग पूरी हो जाने के बाद ये लाइट बंद हो जाएगी। स्नैपपॉड्स के चार्जिंग केबल को चार्ज करने के लिए आप बॉक्स में दिए गए चार्जिंग केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए हम आपका स्नैपपॉड्स S510 इस्तेमाल करने का अनुभव बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।